मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नर्मदा बचाओ अभियान के नेत्री मेधा पाटकर आज धार जिले के चिखलदा के खेड़ा में अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रही है, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया है। मेधा पाटकर ने आज अपने साथियों के साथ कुकरा बसाहट में बनी बापू की समाधि पर फूलमाला चढ़ाकर अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। मेधा पाटकर का कहना है कि अभी तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, आज भी कई लोग टीन शेडों में रहने को मजबूर है। वहीं कई लोगों को जो जमीनों का आवंटन किया गया है वह सही तरीके से नहीं किया गया है। आज भी मध्य प्रदेश के लोग जिन्हें गुजरात में जमीन मिली है वह परेशान है। उनका कहना है कि बांध के जलस्तर को 122 मीटर तक ही सीमित किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मेधा पाटकर आज से सत्याग्रह भूख हड़ताल शुरू कर रही है। सरदार सरोवर से नर्मदा घाटी में उजड़े हुए हजारों हजारों परिवार, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के 192 गांव और एक धर्मपुरी नगर के रहे हैं, इन्होंने सालों से संघर्ष भी किया है और भुगता भी बहुत है। और आज तक करीबन 50,000 परिवारों का तीनों राज्यों में पुनर्वास होने के बावजूद कुछ हजार लोग बाकी है। और 2023 में जो अवैध डूब लाई गई, जिसका कारण था बैकवाटर लेवल्स गलती से बदलना, नियमन नहीं करना बांधों से, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो 16 सितंबर या पहले भी गेट नहीं खोलना, और इसके कारण मध्य प्रदेश के 150 गांव में कम अधिक डूब आई है। इसमें मवेशी मर गए, इसमें इंसान गुजर गए, इसमें घर द्वार और सब सामान भी ध्वस्त हो गया। अभी तक राहत दी है पर पूरी भरपाई नहीं दी है। अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि बैकवाटर लेवल्स फिर से जो केंद्रीय जल आयोग ने लगाए थे वही मान्य करने चाहिए। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है तीनों राज्यों का कि जो पानी का स्तर है वो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के हमारे फैसले के आधार पर 122 मीटर पर रोकना पड़ेगा। जो बांध के दीवार की ऊंचाई है, गेट्स खुले रखने पड़ेंगे उसके ऊपर के 17 मीटर के। और ये बार बार चर्चा के बाद, बार बार आवेदन के बाद, आश्वासनों के बावजूद जब नहीं हुआ है तो 500 परिवार टीन शेड में पड़े हैं। कई किसानों को अनुदान 60 लाख का मिलना बाकी है, घर बनाने का अनुदान नहीं मिला, इसलिए प्लॉट मिला है पर घर नहीं बनाया है, ऐसे लोग पड़े। गुजरात में या मध्य प्रदेश में फंसाए गए लोग हैं, और मछुआरे, पशुपालक, कुम्हार, जिन जिन को भूमिहीन होते हुए हमने आदेश करवाया, न्याय दिलवाया, उनको अभी तक पूरा अधिकार नहीं मिला है। तो ऐसे स्थिति में द्वार में खड़ी है बरसात, बिल्कुल समय नहीं है। ये निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लेना ही चाहिए, ये हमारा सबका आग्रह है। और एक एक दिन के कई सारे संघर्ष हुए, पर अब आज से फिर से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे, और साथ में क्रमिक अनशन के लिए घाटी के प्रतिनिधि मेरे साथ बैठेंगे, जिसमें ये शेवंती बहन जैसी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और हम लोग चाहेंगे कि न्याय चाहिए, अन्याय नहीं। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।